नमस्कार दोस्तों जी, है मेरे पास वन प्लस का वन प्लस 11R। ये देखिए इस पर कवर वगैरह लगा हुआ है, ग्लास पे भी लगा हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें एक काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो कुछ डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों वन प्लस के जो फ़ोन होते हैं उनमें दोस्तों हमें जो अपडेट मिलते हैं काफ़ी लेट मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें हमें दोस्तों जो अपडेट मिला है वो दोस्तों ऑक्सीजन ओएस 13.1। इससे पहले दोस्तों ये चल रहा था 13 पे चल रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो अपडेट है ये काफ़ी बड़ा अपडेट है वन प्लस, वैसे क्योंकि आप देख सकते हो साइज मैं आपको दिखाऊं तो उसे साइज है दोस्तों 1.90 GB, यानी दोस्तों समथिंग 2 GB का ये अपडेट है। तो इसमें हमें दोस्तों क्या क्या मिलता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें जो सिक्योरिटी पेच लेवल है वो जुलाई का कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों ये चल रहा था समथिंग मई पे चल रहा था। अभी इसमें दोस्तों कैमरे के लेके जो बक्स वगैरह हैं वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। फोटो ऐप में आके जो बक्स वगैरह होंगे कुछ, जैसा कि दोस्तों हमें नॉर्मल पता नहीं लगता लेकिन जो ज़्यादा यूज करते हैं उनको पता रहता है। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिए गए हैं क्योंकि इससे पहले चल रहा था ये ऑक्सीजन ओएस 13 पे, अब जिसमें अपडेट दे दिया गया है दोस्तों ऑक्सीजन ओएस 13.1 का, जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीजन ओएस 13.1। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये मैंने अपने फ़ोन में अब इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और जो दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही दोस्तों डाउनलोड होता है फिर मैं आपको ये दोस्तों इसमें क्या फीचर नए मिल रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो गई मिली है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ नथिंग फोन वन से, जैसा कि आप देख सकते हो डिस्प्ले में नथिंग फोन वन का दोस्तों कैमरा इसमें दिख रहा होगा मिरर की तरह। तो ये दोस्तों मैं डाउनलोड कर अब वो वीडियो शूट कर रहा हूँ नथिंग फोन वन से, तो आप मुझे कैमरा की क्वालिटी कैसी है नथिंग फोन वन की आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसको दोस्तों वेट करते हैं इसको जो अपडेट हो जाए फिर इसको इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या फीचर चेंज होकर मिले हैं। तो दोस्तों वेट करते हैं। तो दोस्तों नया वर्जन मैंने इस फोन में इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हो कि न्यू वर्जन इंस्टॉल। अब दोस्तों इसमें हमें नया क्या देखने को मिलता है ये तो जब आप फोन को यूज करोगे तभी आप महसूस कर पाओगे, बट मैं आपको एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ जो मैंने इसमें महसूस की हैं कि हाँ इसमें न्यू सिस्टम जो है दोस्तों न्यू जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसमें, मुझे एक दो चीज़ें जो मिली हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहले दोस्तों इसके जो आइकॉन है थोड़े से चेंज हो चुके हैं पहले के, यहाँ के आइकॉन पहले इसमें थोड़े अलग आ रहे थे, अभी जो डिजाइन वगैरह वो चेंज कर दी गई हैं। अब दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा दोस्तों आपको ना सेटिंग में, सेटिंग में जब आओगे तो सेटिंग में भी दोस्तों आपको जो आइकन है वो उसकी जो डिजाइन वगैरह है वो चेंज कर दी गई हैं। अब दोस्तों इसको मैं जब यूज़ करूँगा ढंग से तब मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में हमें और भी क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होके मिले हैं इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि अभी एकदम से मैं आपको नहीं बता सकता। जब मैं इसको यूज़ करूँगा तब मुझे यूज़ करने के बाद पता लगेगा कि यहाँ इस जगह पर जो चेंजेस हो गए हमें मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो फटाफट से इसको अपने फ़ोन में कर लो, क्योंकि वन प्लस के डिवाइस जो होते हैं उसमें दोस्तों लिमिटेड ही अपडेट आते हैं। अगर आपके फ़ोन में आया हुआ है अगर आपने उसको पेंडिंग में डाल दिया या इग्नोर कर दिया तो दोस्तों आपके फ़ोन से वापस भी जा सकता है और फिर दोस्तों पता नहीं कब वापस आएगा। तो अगर आपके फ़ोन में शो हो रहा है डाउनलोड का ऑप्शन तो उसको फटाफट से डाउनलोड कर लो, बिल्कुल भी देर ना करो। और नए फीचर का दोस्तों हमें भी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या क्या चेंजेस होके मिले हैं। और दोस्तों इसमें एक दिक्कत ज़रूर आएगी कि इस अपडेट को होने के बाद आपके फ़ोन में चाहे वो कोई सा ही फ़ोन हो, जैसा कि दोस्तों मेरा फ़ोन है वन प्लस 11R जिसमें मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया इस अपडेट को, तो इसमें मुझे अब बैटरी ड्रेन का इशू ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई अपडेट नया आता है उसमें हमारी फ़ोन की जो बैटरी होती है ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बट इसके बाद जो अगला अपडेट आएगा उसमें ये जो इशू आएंगे इस अपडेट में वो फिक्स कर दिए जाते हैं, ऐसा ही दोस्तों चलता रहता है। तो दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना।